जबरदस्त वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 11 का भी बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। आज क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर से, क्योंकि ऑलरेडी 1 से लेकर के 20 तक हम पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 11th सिक्वेंस एंड सीरीज आरएस अग्रवाल के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगा, जहाँ हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, मतलब हर क्वेश्चन वाइज आपका क्या वहाँ पर वीडियो अवेलेबल। यदि कोई समस्या होता है, कोई वीडियो नहीं मिला तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। 21 नंबर से क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 101 एंड 500 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। मतलब क्या कहता है क्वेश्चन, 101 से 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो बताओ 101 9 से तो नहीं कटता, 102 कटता है, नहीं कटता है, सोचो कौन कटेगा। अरे सोचो कौन कटेगा, हाँ बोलो बोलो कौन कटेगा। 101 कटता है नहीं, 108 कटता है 9 से, 9 से डिवाइड दो ना कितना हो जाएगा, देखो कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो अब इसके बाद वाला कौन सा अगला टर्म कटेगा, 117। ठीक है ना, इसमें फिर क्या करो, सिंपली सोचने का, सिंपली 9 ऐड करते चलो, तो 125 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म कौन सा होगा, 500 से पहले वाला या 500 के बीच का, बीच बोल रहे हैं बिटवीन ना, इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा। 500 तो नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा, तो 499 कटेगा, नहीं कटेगा, 495 कटता है। कौन सा कटता है, 495, इसको काट के देख लेना डिवाइड दे करके। ठीक है ना, अब ये देखोगे गौर से तो इस सब का डिफरेंस क्या, सेम डिफरेंस हो रहा है, तो सेम डिफरेंस में जो सीरीज जाता है वो क्या कहलाता है, एपी है। तो इस एपी का सम निकालो, ए मतलब कौन सा फर्स्ट टर्म 108, डी मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म और माइनस कौन सा फर्स्ट टर्म, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 9। ठीक है ना, और ये क्या है आपका लास्ट टर्म, तो टी एन बराबर कितना, 495। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द सम, तो सम निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एसएन के निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एन तो चाहिए, तो हम एन निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एसएन इक्वल्स टू टीएन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। टीएन का वैल्यू कितना, 495, ए का वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1 इनटू कितना डी, यहाँ 495, डी का वैल्यू हमें पता है ना 9, तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करो 9 9n और माइनस 9, तो 495 इज इक्वल टू कितना, 108 में से 9 गया था कितना बचेगा बोलो बोलो ना, 99 बचेगा। अब इस 99 को उठा करके इधर ले आओ, तो 495 और माइनस कितना 99 इज इक्वल टू कितना 9n, अरे होगा तो अब यहां से बोलो इसको माइनस करो ना, ये कितना होगा 15 नहीं, तो इधर बचेगा 9 9 7 16 15 लाना है ना, तो 9 यहाँ 6 ले लो। ठीक है ना, और यहाँ पर से कितना बचेगा, ये 8। ठीक है ना, एक इससे लोगे पहचान तो कितना 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये कितना बचेगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 99। ठीक है ना, अब इसको काटो, कितना बार में कटेगा बोलो बोलो, अरे 396 को काटोगे तो कितना बार में कटेगा, काटो काटो जल्दी, हमें काट दें ले, 44 टाइम में कटेगा, तो n का वैल्यू फाइनली कितना निकला, 44 निकला, कितना निकला हमारा 44। चलो n पता है, अब sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जब लास्ट टर्म पता होता है तो n बाई 2 इंटू कितना a प्लस l, n का वैल्यू कितना निकाले हैं 44, तो यहाँ 44 रहने दो, यहाँ अपॉन 2, a की जगह कितना 108, l l यही तो हमारा लास्ट टर्म जो होता है वो tn और l दोनों होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया 495, इसको काट दोगे यहाँ से तो ये रहेगा 22 इंटू कितना, मल्टीप्लाई करोगे सॉरी ऐड करोगे तो 8 5 13। ठीक है ना, यहाँ पर 9 1 10, 4 1 5 1 6, 603। अब इस 22 को 600 कितना 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करो करो 13266 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने कितने नंबर होंगे, 101 से लेकर के 500 के बीच में नंबर, ऐसे कितने नंबर होंगे
जो 9 से डिविजिबल होगा कितना होगा 44 होगा, उन सभी नंबर का ऐड कितना होगा 13,266 होगा। समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 एंड कितना 600, मतलब 100 और 600 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे, इंटीजर नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड देने के बाद 2 क्या होगा रिमाइंडर बचता है। तो अब यहां पर से देखो 100 जो है, 100 क्या होता है 5 से तो पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर नहीं बचता है। 101 करोगे तो भी कितना हो जाएगा, एक बचेगा, क्या बचना चाहिए रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 102 ले लो, डिवाइड करके देखो ये कट गया, 2 रिमाइंडर बचा, तो ठीक है। तो इसमें पहला टर्म कौन सा हो जाएगा बोलो, सॉल्यूशन 102, ठीक है। अब इसमें 5 ऐड करते जाओ 7, फिर कितना हो जाएगा 112 प्लस डॉट 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 600 से पहले कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 5 से डिविजन बल करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। 595 में नहीं होगा, 596 वो भी नहीं हो सकता, 597 में देखो करके कितना वन टाइम में लगेगा, तो ये कट गया, 9 से करोगे तो इधर से ये भी वन टाइम में, इधर 4 इधर 9 45 2 रिमाइंडर बचा, तो लास्ट टर्म इधर से कौन सा होगा 597, ठीक है। अब ये तो एपी में है, ए का वैल्यू कितना 102, ठीक है, डी का वैल्यू कितना बोलो बोलो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये रहा 5, लास्ट टर्म यानी टीएन कितना है 597, तो पहले एन निकालेंगे, तो एन निकालने के लिए हमें टीएन को यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन की जगह 597, ए का वैल्यू कितना 102, यहाँ रहा एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना इधर से 5 है, 597 इज कॉस्ट टू कितना 102, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस 5, 102 में से 5 गया तो 97 बचेगा, और प्लस इधर से 5n, 597 अपने जगह सही है, इसको इधर ले आओगे माइनस 97 इज कॉस्ट टू कितना 5n, 97 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 500 बचेगा, इसको कितना है? तो 100 टाइम में कट गया तो n का वैल्यू कितना निकला 100, मतलब n का वैल्यू क्या निकला 100, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 100 से और 600 के बीच में 100 ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है ना। तो कहता है उन सभी नंबर का सम कितना होगा, अब लिखो यहाँ Sn बराबर कितना फॉर्मूला n बाय 2 इंटू ए प्लस एन, एन का जगह कितना 100 बाय 2, ए का वैल्यू कितना 102, एल का वैल्यू कितना 597, इसको काट दोगे ये रहा 50, तो 50 आई इंटू कितना, इसको ऐड करोगे तो 699, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 34950, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एंड ऑफ एन ए पी, एंड नहीं एन ए पी इज 10, कितना है ये 10 है, एंड नेक्स्ट 7 टर्म इज 17, ये कितना है 17, तो फाइंड द एपी। क्वेश्चन पहले समझ में आया, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट से 7 टर्म है, फर्स्ट से क्या है 7 टर्म का एंड सम कितना है 10 है, और नेक्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 17 है, इसको समझो यहां। लेट हमने माना x1 x2 x3 x3 x4 x5 x6 x7 आर इन एपी, क्योंकि 7 टर्म बोल रहा था, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस सब का एड x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 बराबर कितना है 10 है। ये देखो कितने टर्म तक का सम है, 7 टर्म का, क्योंकि फर्स्ट से है तो इसीलिए हम इसको क्या s7 लिखेंगे, s7 कितना हो जाएगा 7 बाय 2। अब हमें पता नहीं है
फर्स्ट टर्म था, ए बराबर हमने माना फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, और डी माना हमने क्या कॉमन डिफरेंस। तो चलो इसका एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, एन की जगह सेवन बाई टू हो जाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन, तो एन की जगह कितना है सेवन माइनस वन इन टू डी बराबर कितना टेन। देखो सेवन इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो रुको सेवन बाई टू रहने दो, टू ए प्लस कितना यहां पर हो जाएगा सिक्स डी इसकोस टू टेन, तो सेवन बाई टू से ये टू कॉमन ले लोगे यहां से, तो ए प्लस कितना थ्री डी इसकोस टू सेवन सॉरी टेन। अब इस सेवन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेवन ए प्लस ट्वेंटी वन डी इसकोस टू सेवन, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अगेन फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट सेवन टर्म, तो इसका सेवन टर्म का नेक्स्ट सेवन टर्म क्या होगा, आठ से लग रहेगा फोर्टीन तक, तो यहां पर लिखेंगे एक्स एट प्लस कितना एक्स नाइन एक्स टेन एक्स एलेवन एक्स ट्वेल्व एक्स थर्टीन एक्स फोर्टीन, ये कितना है, तो सर ये है सेवनटीन, ठीक है। अब चूंकि देखो इसको हम इसको x1 से लेकर x7 तक इसको हम s7 लिखे, क्या इसको s क्या 14 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सर ये सीरीज का 1 से स्टार्ट नहीं है, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए 1 से लेकर के कहां तक का कमी है, ए 7 तक कमी है, तो वह x1 x2 x3 कहां 7 तक हम ऐड करेंगे दोनों साइड, तो हम यहां x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन प्लस कितना एक्स एट प्लस देखो डॉट डॉट कर देते हैं लास्ट में क्या एक्स फोर्टीन बराबर जैसे सेवन, इधर भी क्या कर देते हैं हम एक्स वन से लेकर के एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट कर दो ना यहाँ पर कहाँ तक एक्स सेवन तक हमने ऐड कर दिया। देखो ना एक्स वन काट दो तो यहाँ सेवन तक पूरा कर जाएगा, काट देंगे तो क्या होगा फिर तो वही टर्म आ जाएगा, देखो वन से स्टार्ट हो रहा है फोर्टीन तक जा रहा था इसीलिए ये क्या हो जाएगा एस फोर्टीन, ठीक है ना। अब इस साइड कितना है सेवन सेवनटीन है और वन से लेकर के सेवन तक का सम कितना है टेन है, तो इधर हम टेन रखेंगे तो एस फोर्टीन कितना निकला हमारे पास, देखो तो एस फोर्टीन निकला हमारे पास सेवनटीन प्लस कितना टेन तो ट्वेंटी सेवन निकला, अरे निकला ना जी। अब एस फोर्टीन में क्या लिखेंगे एन बाई टू, तो यानी एन का वैल्यू फोर्टीन है तो फोर्टीन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, तो फोर्टीन माइनस वन इंटू डी और बराबर में ट्वेंटी सेवन बाई, मत लिखो इसको इसी रहने दो, इसको काट दो यहाँ बचेगा सेवन और यहाँ कितना हो जाएगा टू ए यहाँ हो जाएगा थर्टीन डी और बराबर में ट्वेंटी सेवन, मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्टीन ए और यहाँ नाइन्टी वन डी इक्वल्स टू 27, ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब देखो एपी निकालना है हमको तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता होना चाहिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो, यहाँ लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट क्या है 7a प्लस 21d, 7a प्लस 21d बराबर में कितना है 10, उसके बाद ये क्या है 14a ए प्लस कितना 91d इसको टू कितना 27, ठीक है ना। इसको 2 से या इसको कितना 1 से कर दोगे, 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 14a प्लस कितना 42d इसको टू 20, फिर यहाँ 1 से करोगे तो ये रहा 91d इधर रहा 27, माइनस कर दो ये कट जाएगा 91 में से 91 में से 42 को माइनस करो, देखो इधर 91 में से 42 को माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 9, 8 में से 4000 ये रहा 49, इधर ये कितना माइनस 49d, ठीक है ना, और माइनस कितना इधर से देखो 27 हो जाएगा ना इधर से तो घटेगा तो माइनस 7, तो ये माइनस माइनस कट गया तो d बराबर कितना 7 बाई कितना 49, इसको काट दो तो d का वैल्यू कितना निकला 1 बाई 7, डी कितना निकला 1 बाई 7, ठीक है ना। अब d का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो क्या निकलेगा हमारा, ए का वैल्यू निकलेगा एकदम निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 1 बाई 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है यहाँ 7a प्लस कितना 21d, यहाँ लिखेंगे 7a प्लस 21d, तो 21 गुने कितना 1 बाई 7,
इक्वल टू 10, कितना टाइम में, थ्री टाइम में कटेगा, तो 7a प्लस 3 इक्वल टू 10, 7a 10, इसको 3 को उससे ले जाओगे तो माइनस 3, तो 7a इक्वल टू कितना 7, कट गया, तो a बराबर कितना रहा 1, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू 1/7 निकल गया। अब यहाँ पर से देखो हमें निकला है ap लिखना है, क्या लिखना है हमें ap, तो ap कैसे लिखते हैं, a उसका कितना a प्लस d, उसका क्या a प्लस 2d, उसका डॉट डॉट से कट जाता है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, उसका क्या होगा 1 प्लस 1/7, उसके बाद 1 प्लस कितना यहाँ 2/7 डॉट डॉट डॉट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 a क्या होगा 8/7 हो जाएगा ना, इसको करेंगे तो 9/7 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि सर फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना था 10 और नेक्स्ट 7 टर्म का टर्म कितना था 17, तो हमें ए पी निकालना था, तो यही हमारा ए पी हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज 3n² + 5n एंड mth टर्म, क्या दिया हुआ है mth टर्म इज 164, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले दिया क्या है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी गिवन है एस एन बराबर कितना 3n² और प्लस कितना 5n, ठीक है ना। हमें क्या दिया हुआ है इधर से, फिर mth टर्म, mth टर्म दिया हुआ है मतलब क्या tm दिया हुआ है, ठीक है ना। तो tm को छोड़ो, अभी हमें अगर tn चाहिए, sn दिया रहता था तो हमें क्या निकालते हैं, sn माइनस कितना sn माइनस 1, ठीक है ना। तो हम अभी tn निकालते हैं, तो sn माइनस 1 निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पीछे क्वेश्चन में ही बताया हुआ n बराबर कितना, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा sn माइनस 1, यहां हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना एन माइनस 1, ठीक है। तो 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 5n माइनस 5, 3n² माइनस 6n और प्लस 5n, तो कितना बचेगा माइनस n, 3n माइनस 5, तो ये कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा जी, ये रहा हमारा sn माइनस 1। अब हमको पता है वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट tn बराबर sn, अब माइनस कितना होता है sn माइनस 1, sn का वैल्यू कितना है 3n², अब प्लस कितना है इधर से 5n, अब माइनस इसको लिखना है तो माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस कट गया, ये क्या बचा 5n प्लस n कितना 6n और प्लस 2, तो tn बराबर कितना निकला, इस tn को एक बार और यहां लिख लो, tn बराबर निकला 5n प्लस 2, ठीक है ना। अब आपके पास यहां पर से देखो गिवन एक चीज और है mth टर्म, mth टर्म मतलब कौन सा, tm कितना दिया हुआ 164 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 164, तो m tm दिया हुआ, यहां पता है tn, तो हम इसमें सिंपल है सर पुट n बराबर कितना m कर दीजिए, तो ये रहा tm इक्वल्स टू कितना 5m और प्लस 2, और tm कितना है 164 है, यहां हमने 164 रखा, यहां 5m प्लस 2, तो 164 इसको इधर ले आओगे तो माइनस 2, ये रहा हमारा 5m, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 162, तो m बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 162 में हमें 5 से डिवाइड देना है, दो डिवाइड, तो 162 में 5 से डिवाइड दोगे 3 टाइम में लगेगा जी, यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ, अरे कुछ तो गड़बड़ है, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 5n नहीं है जी, यहाँ 6n है ना जी, पिछला बच्चा देखो सुध रहा है, नींदे में क्या रहे 6n 6m यहाँ हो जाएगा 6, ये तो कह रहा है भाई कट का ही नहीं रहा, तो अब चलो इसको काटेंगे हम 6 से डिवाइड देंगे ना, तो यहाँ 12 टाइम में कटेगा, ये बचेगा कितना हुआ 27 टाइम में कट गया ना, तो 27, तो m का वैल्यू फाइनली कितना निकला हमारा 27 निकला, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है,
चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बंधुओं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू सो मच।